फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। और मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एक ट्रेलर, और ये ट्रेलर है दरबार का। अब दरबार का नाम तो सुनी लिया आपने, इसका एक पहले मोशन पोस्टर भी आया था और टीजर भी आया था। आई थिंक इसका पहले टीजर का तो मोशन पोस्टर आया था, जिसमें रजनीकांत जी एक खतरनाक लुक में दिख रहे हैं, पुलिस ऑफिसर के लुक में। और इसमें ट्रेलर में अब हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और ये हिंदी ट्रेलर है। पहले शायद पोस्टर आया था जो उसमें तमिल था, कुछ ऐसा कुछ वो लैंग्वेज दूसरी थी, साउथ डिफरेंट लैंग्वेज थी। लेकिन इस बार ये लैंग्वेज जो है हिंदी में, और पूरी तरह से समझ में आने वाली बात है इस बार। और यार, रजनीकांत की बात आती है तो उनके लिए तो यार उपलब्धियां इतनी हासिल कर ली उन्होंने कि उनके लिए हम कुछ ये बोले तो वो बहुत ही वर्ड हमारे लिए बहुत कम है उनके लिए। तो देखते हैं इस ट्रेलर को, क्या है इस ट्रेलर में। पुलिस ऑफिसर है वो, खूनी है। आदित्य अरुणाचल, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई। पुलिस इज नॉट अ जॉब, वी लिव टू प्रोटेक्ट, वी डाई टू सर्व। बरखुरदार मेरा है ये दरबार, जो लीडर पक्का मैं लीडर, बिल्ला जो कहलाए मर्दों में जो कहलाए। मुंबई पुलिस डरपोक है, कैसे बताएंगे। जिसे मारना है मारो, गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। सर उन्हें बोल दीजिए पुलिस के लेफ्ट से निकले, राइट से निकले, सामने ना क्या देख रहे हो। ओरिजिनली में विलन ही हो बेटा, ये कैसा लगा। मकर संक्रांति में आ रही है यार, मकर संक्रांति बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। अल्लू अर्जुन की भी आ रही है, और दो एक और उन्हीं की वो आर्मी वाली, आर्मी वाली भी आ रही है। साथ के साथ महेश बाबू की मूवी भी आ रही है मकर संक्रांति पे, और दरबार भी आ रही है। और यार समझ नहीं आ रहा जनवरी में ऐसा क्या धमाकेदार होने वाला है कि बहुत सारी मूवी आ रही है और बढ़िया बढ़िया एक हिट मूवी आने वाली है, एक से एक बढ़िया मूवी। और यार जिस हिसाब से रजनीकांत जी मूवी लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में फिर तो अभी से किसी और ही कमाई होनी नहीं है, बाकी कोई मैं कदम डेट बदलनी पड़ेगी। इनकी मूवी आने के बाद तो ये हो जाता है कि भाई यही देखते हैं। और भाई ट्रेलर तो वाकई में बहुत ही नासू था, मतलब मुंबई पुलिस दिखाई हुई है एकदम धमाकेदार। मुंबई पुलिस का रोल किया है इन्होंने, और एक ऐसा रोल किया है जो बिल्कुल किलर वाला है। यानी वो कहते हैं भाई पुलिस ऑफिसर है नहीं, खूनी है भाई, जैसे मारते हैं इसमें। तो यार एकदम दबंग जो रोल होता है, सलमान खान मूवी करते हैं या सिंघम वाली मूवी है, तो उनसे डिफरेंट हटके है बिल्कुल। यानी इनका खुद का ही चलता है कि हाँ भाई जो इन्होंने फैसला करना है इनका ही चलेगा। और यार सुनील शेट्टी भी है, मतलब काफी टाइम के बाद उनकी एक्टिंग देखने को मिलेगी हमें, और हमने ये सोचा ही था, मतलब हमें पहले पता ही नहीं लगा था कि सुनील शेट्टी भी है। और एक चीज और है कि सुनील शेट्टी जब ओल्ड एज में, जैसे थोड़े ओल्ड एज में आए हैं, और उसके बाद इनकी हेल्थ जो है एकदम डिफरेंट बन गई है, जैसे और लुक भी बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ विलन वाला लुक एकदम खतरनाक वाला लुक है। पहले हीरो वाला लुक था, लेकिन अब विलन वाला लुक ऐसे खतरनाक लुक में दे रहे हैं ये। और इस मूवी में मतलब लुक जो इन्होंने बनाया हुआ है बहुत ही तगड़ा, और विलेन का रोल कर रहे हैं तो एक अलग सा रोल देखने को मिलेगा। और रजनीकांत जी ने बोली दिया है कि भाई मैं पुलिस की वर्दी में मैं भी विलेन हूँ, और उनका सबसे अच्छा डायलॉग लगता है कि उनको बोलो कि पुलिस के दाएं से निकले बाएं से निकले, सामने से ना टकराएं, सामने से टकराएंगे तो समझ में आ जाएगा कौन कितने टकरा रहे हैं।
तो बहुत ही बढ़िया एक ट्रेलर बनाया इन्होंने और मूवी भी सही होगी जिस हिसाब से ट्रेलर है। और यार मूवी तो ये है कि कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड माफिया को लेके मूवी बनाई जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से रोल दिखाया गया है पैसे की पैसे की तस्करी और ये स्मगलिंग वगैरह दिखाया गया है, और सबसे मेन चीज किडनैपिंग उडनैपिंग भी दिखाई है थोड़ी सी ट्रेलर में, और जिस हिसाब से एक्शन से वो आते हैं यार जंप करने के बाद और बियर की बोतल कैसे पैर रखते हैं और तड़ाक बोतल टूट जाती है यार। एक चीज है कि एक एक एक्शन जो उन्होंने बनाया है किया है भाई वो मजाक नहीं। एक तो इतनी एज में आके ऐसा रोल प्ले करना बहुत ही यार सच में हम आज की डेट में यंग होकर हम ये कहते हैं कि यार हम थोड़ा सा कुछ करने की सोचे हैं लेकिन हमसे होती नहीं है, और वो इतनी एज में जाने के बाद और वो ऐसा ऐसा रोल करना यार ऐसा, यानी तुमने खुद देखा होगा अभी तो उसमें खुद को भी इमेजिन करो और सोचो कि यार वो इस एज में जाके ऐसा एक्शन कर रहे हैं और हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि कई चीजें हैं, लेकिन यार देखो जो चीजें हैं उनका प्रोफेशन है वो करते हैं और करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं आज की डेट में, वो भगवान है वहाँ के एक तरह से, सुपरस्टार रजनीकांत है। हाँ। और फिर से इनकी थोड़ी सी लव स्टोरी भी है बीच में और हीरोइन तो इनकी यंग ही रहती है भाई जो मर्जी हो। एक चीज तो है यार रोल भी इन्होंने यंग वाला ही किया, कौन सा ओल्ड वाला किया, क्योंकि मेन एक चीज देखो ना कि कहीं से भी लगे नहीं है कि हाँ भाई ओल्ड एज हो और बिल्कुल यंग एज है इनकी बिल्कुल। और लड़की यार नाम मेरे को याद नहीं आ रहा हीरोइन का, तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है उसका जो रोल प्ले करना ना वो बहुत अच्छा करती है, जिस हिसाब से मैंने उनकी फिल्में देखी हैं साउथ की तो सीरियस रोल बहुत अच्छा करती हैं वो। तो भाई रजनीकांत जी का दरबार लगने वाला है जल्दी बस तो जल्दी ये मूवी आएगी रह गया करीब करीब, और एक महीने बाद हमें रजनीकांत जी फुल स्क्रीन पर दिखेंगे, और अभी तो शायद एक ट्रेलर आया है, साथ हमें दूसरा ट्रेलर भी देखने को मिल जाए इनका, उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेलर था और मूवी बहुत ही बढ़िया जाने वाली है ये भी, तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के, और आपके साथ यार देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत दिन हो गए आप लोगों से कहते कहते, अब तो यार सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको जल्दी से जल्दी यार हमारी, और वीडियो को लाइक कर दो यार रजनीकांत जी के लिए लाइक करना तो बनता ही है, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।